अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी, सिंपल एंड क्विक रेसिपी। में आज हम बनाएंगे एग कबाब। 6 अदद मैंने लिए हैं आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। 4 अदद मैंने लिए हैं अंडे, इनको भी मैंने बॉईल कर लिया है। चंद पत्ते मैंने लिए हैं हरा धनिया के। 1/2 टीस्पून मैंने ली है लाल कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और साबुत धनिए को मैंने पीस लिया है। 3 अदद मैंने ली है हरी मिर्चें, जिनको मैंने क्रश कर लिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिली, 1 प्लेट ब्रेड क्रम्स, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर मतलब चुटकी और 1 अंडा। अब हम इन आलुओं को इस बाउल में डालेंगे और इसको मैश कर लेंगे। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने तमाम स्पाइसेस। अब हम इसको करेंगे मिक्स। चम्मच की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं और हाथों से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अब इसका अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे हम। इसको मैंने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो हमने अंडे बॉईल करके रखे थे, अब हम इनके 4 स्लाइसेस कर लेंगे। अंडे को हमने स्लाइसेस में काट लिया है। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम अपने कबाब रेडी करते हैं। चाहे तो आप ऑयल लगा लें हाथों पे, चाहे पानी लगा लें, मैंने कुछ नहीं लगाया। अगर ये चिपकेगा तो आप हाथों पे लगा लीजिएगा और इस तरह इसकी छोटी सी एक टिक्की बना लें। चारों कोनों से इसको अच्छी तरह से बाइंड कर लें। हमारा एक कबाब रेडी है, इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इस पे लगाएंगे अंडा और क्रम्स। सबसे पहले हम अंडे को विक्स से फेंक लेते हैं। इसको हम डाल लेंगे नमक और जो काली मिर्च हमने रखी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कबाब उठाएंगे। अब हम एक कबाब लेंगे, उसको अंडे में डिप करेंगे अच्छे से और फिर उसको क्रम्स में डिप करेंगे। क्रम्स लगा देंगे उसके ऊपर। अच्छी तरह से हमने इस पर क्रम्स लगा दिए। अब हम इसको रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे कबाबों पे अंडा और क्रम्स लगा लेंगे। अब हमने इनको अंडा और क्रम्स लगा लिया। अब इसको 30 मिनट्स के लिए इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको करते हैं फ्राई। ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने एग कबाब फ्राई करते हैं एहतियात के साथ। अब हम इसको एक एक करके डालते जाएंगे फ्राई होने के लिए। इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन होगा तब इनको हम निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। मैंने साइड चेंज की है इसकी। अब दूसरी साइड से भी इसका कलर हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा इसको कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे।
एक एक करके काजू जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है जी। तो ये हमारे मज़ेदार से एग कबाब रेडी हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।